तो दोस्तों आज हम बात करेंगे JSW स्टील के स्टॉक के बारे में। JSW स्टील के स्टॉक में नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक के लिए क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने को मिल सकते हैं, उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। हम अगर यहाँ पर स्टॉक की बात करें तो हम देखेंगे जो स्टॉक है ये हमको पिछले एक लंबे समय से यहाँ पर लगातार क्लियर डाउन ट्रेंड में देखने को मिल रहा है। हमको यहाँ पर स्टॉक में लोअर लो लोअर हाई वाला पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी पिछले दो ट्रेडिंग सेशन से हमको यहाँ पर स्टॉक में तेज़ी भी देखने को मिल रही है। आज भी हमको यहाँ पर स्टॉक है 1.73% की यहाँ पर तेज़ी देखने को मिली है। साथ ही आज के तेज़ी से हमको यहाँ पर स्टॉक में ब्रेकआउट भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ब्रेकआउट की बात करें तो जो ये स्टॉक है ये पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर लगातार 736 का जो लेवल है इसी के नीचे यहाँ पर ट्रेड कर रहा था, लेकिन आज स्टॉक ने यहाँ पर इसको भी ब्रेक किया है। तो यहाँ से भी हम स्टॉक में बात करें, यहाँ से भी अगर स्टॉक में और तेज़ी आती है तो यहाँ से भी और तेज़ी की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक में 748 का पहला यहाँ पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक यहाँ पर इसको ब्रेक करेगा देन यहाँ से अभी हमको स्टॉक में 762, इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 778, और अगर स्टॉक ने यहाँ पर इसको भी यहाँ ब्रेक किया देन यहाँ से हमको स्टॉक में 799 एंड देन यहाँ से हमको स्टॉक में 830 और 850 तक के लेवल्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं एज ए नेक्स्ट पर रेजिस्टेंस। वही यहाँ से अब अगर स्टॉक में गिरावट आती है तो यहाँ से अभी गिरावट की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक में 736 का पहला यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक यहाँ पर इसको ब्रेक करेगा देन यहाँ से हमको स्टॉक में 725 एंड देन यहाँ से हमको स्टॉक में 709 तक के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे एज ए नेक्स्ट पर सपोर्ट। तो ये स्टॉक में कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, आप इन पर ध्यान दे सकते हैं। बाकी वीडियो में कोई बाय सेल होल्डिंग की सलाह नहीं है, वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। धन्यवाद।